हेलो दोस्तों, डेटा सानू के एक नए एपिसोड में मैं मन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेनोवो ने बहुत दिनों बाद नींद से जागते हुए एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ 15,000 के अंदर बहुत ही अच्छा अच्छा स्मार्टफोन का टक्कर दे रहा है, जिसका नाम है लेनोवो का G5 स्मार्टफोन। दोस्तों, मैं आज उसके साथ कंपैरिजन करने वाला हूँ एसोस की तरफ से आ रहा है एसोस का जेनफोन 5 स्मार्टफोन को। दोनों ही दोनों आपको सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा दोनों स्मार्टफोन में से अगर दोनों ही स्मार्टफोन इंडिया में आते हैं तो कौन सा स्मार्टफोन आपको खरीदने लायक होगा। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन इंडिया में आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है एक मंथ के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों, दोनों फोन की स्पेसिफिकेशन के बीच में मैं दोनों फोन की कंपैरिजन करूं, पहले हम डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्ले में आपको दोनों ही फोन में आपको 6.2 इंच का आपको फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन वाला आपको डिस्प्ले मिल जाता है, और दोनों में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला 3 के साथ आपको 2.5D कोर प्लस मिलता है। ऊपर के साइड आपको आईफोन एक्स जैसा एक आपको नॉच देखने को मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में आपको ग्लास बैक मिलता है, और दोनों में आपको फ्रंट और बैक में आपको दोनों ही में आपको गोरिल्ला ग्लास मिलता है। मतलब पीछे में भी अगर आप कुछ स्क्रैच हो जाता है तो आपको कुछ टेंशन रहने वाली बात नहीं, इतनी जल्दी से दोनों ही मोबाइल पर आपको स्क्रैच नहीं होने वाला। दोस्तों, दोनों ही फ़ोन की प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 636 मतलब यहाँ पर आपको 1.8 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। इसमें आपको कायरो 260 वाला आपको कोर मिलता है, मतलब जो 8000 सीरीज में जो कोर यूज किए होंगे वही आपको ये दोनों फ़ोन में मिलते हैं। तो दोनों फ़ोन में आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई किसी भी स्मार्टफोन में आपको निराशा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 636 मिलता है, तो एवरेज प्रोसेसर जो एवरेज प्राइस के अंदर सबसे बेस्ट प्रोसेसर एक माना जाता है। दोस्तों, दोनों फोन की कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, जबकि आपके एसोस का जेनफोन 5 में आपको मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, जबकि आपको लेनोवो का जो J5 स्मार्टफोन है इसमें आपको मिलता है 16+8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा। मतलब दोनों ही में आपको F2.0 वाला अपर्चर मिलता है, मतलब दोनों में आपको AI बेस आपको कैमरा मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं 16 मेगापिक्सल के होते हुए तो पेपर वाइज तो लेनोवो का जो G5 थोड़ा आगे माना जाएगा। हालांकि जो एसोस का जेनफोन 5 है इतना बुरा कैमरा नहीं, वो भी बहुत ही अच्छा तगड़ा कैमरा है, लेकिन पेपर वाइज हम कंपैरिजन करें स्पेसिफिकेशन वाइज तो रियर कैमरा में आपको लेनोवो का G5 में आपको बेटर देखने को मिलेगा। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको EIS का सपोर्ट मिल जाता है, और एसोस का जेनफोन 5 में आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, जबकि आपको लेनोवो का G5 में आपको OIS का सपोर्ट नहीं मिलता। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोनों में आपको 8 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है, जिसमें आप फुल HD तक का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों में आपको 3300 mAh का बैटरी मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत डिफरेंट मानूंगा, क्योंकि जो एसोस का जेनफोन 5 स्मार्टफोन है इसमें आपको 10 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, जबकि आपको जो लेनोवो का जो G5 स्मार्टफोन है इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है। तो 18 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है तो थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट चार्जिंग कैपेसिटी आपको लेनोवो का जो G5 स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन बैटरी 3300 mAh का बैटरी है, मतलब अगर आप अगर हैवी यूज करते हैं दोनों में आपको एक दिन का बैटरी बैकअप तो मिलना थोड़ा बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आजकल जो बहुत सारे हैवी एप्लीकेशन आ गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं। तो फास्ट चार्जिंग एक्स्ट्रा होते हुए मैं लेनोवो G5 को थोड़ा बैटरी के डिपार्टमेंट में तो थोड़ा आगे रखूंगा, क्योंकि इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है। तो दोनों फ़ोन में आपको फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है, दोनों में आपको USB टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, दोनों में आपको 3.5mm का जैक भी मिल जाता है। दोस्तों, ये फ़ोन के दोनों ही स्मार्टफोन की मैं सिंपल से ओपिनियन दूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन कंपैरिजन वाइज दोनों ही स्मार्टफोन एक से बढ़कर एक है, मतलब दोनों ही स्मार्टफोन तकरीबन सिमिलर है, लेकिन लेनोवो का J5 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है जो थोड़ा आगे है, लेकिन जो एसोस का जेनफोन 5 है इसमें आपको OIS का मिलता है, तो वो भी वीडियो क्वालिटी के मामले में एसोस थोड़ा आगे। और चार्जिंग कैपेसिटी के बारे में बात करूँ तो लेनोवो थोड़ा 18 वाट की वजह से थोड़ा आगे जा रहा है, लेकिन प्राइस के बारे में थोड़ा बहुत सारा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, जबकि आपको जो लेनोवो का G5 स्मार्टफोन है इसमें आपको तकरीबन 13,500 के 14,000 आसपास आपको 6GB प्लस 64GB वेरियंट आपको मिलेगा, जबकि आपको एसोस का जेनफोन 5 में आपको तकरीबन 18,000 के आसपास आपको 4GB और 64GB मिलेगा। तो प्राइस डिपार्टमेंट बात करूँ तो लेनोवो का G5 थोड़ा आगे है, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन दे रहा है। दोस्तों, अगर दोनों ही स्मार्टफोन इंडिया में आते हैं तो मैं प्रेफर करूँगा लेनोवो का G5 स्मार्टफोन को, क्योंकि हालांकि जो एसोस का जेनफोन 5 भी बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन जो लेनोवो का जो स्मार्टफोन है इसमें आपको फास्ट चार्जिंग बहुत ही बेटर मिलता है, तो इसीलिए दोनों स्मार्टफोन में तो बाकी सारे फीचर्स सेम है, तो मैं लेनोवो का G5 को थोड़ा आगे रखूँगा ये दोनों स्मार्टफोन के बीच। दोस्तों, आप लेनोवो का J5 स्मार्टफोन और एसोस का जेनफोन 5 स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले आप ये दोनों स्मार्टफोन के बारे में क्या सोच रहे हैं और आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी लाइक कर दीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।